Hey, what's up guys? Raj Angad, Singh here. Guys, आज की जो वीडियो है वो बनाने के लिए हमें चार अलग अलग तरह की क्लिप शूट करनी है, जिसमें पहली क्लिप हमारी रहेगी मेन क्लिप, जिसमें हम कुछ इस तरह से एक्टिंग करेंगे। और इसके बाद हमने शूट करनी है क्लीन प्लेट। और तीसरी क्लिप हम शूट करेंगे जिसमें होगा हमारा सिर्फ ये बॉक्स। और चौथी जो क्लिप होगी वो हमारी होगी हैंड क्लिप, जिसमें हम कुछ इस तरह से एक्टिंग करेंगे। तो ये चारों क्लिप्स शूट करने के बाद हम आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करेंगे। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो हम सबसे पहले मेन लेयर को आफ्टर इफेक्ट्स में इम्पोर्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी मेन लेयर है, लेकिन इसमें जो जो मेरा हाथ बाहर दिख रहा है वो हमें सबसे पहले कट करना होगा। और इसके लिए हम यहां से पेन टूल का यूज करेंगे। और अब बैकग्राउंड को फिल करने के लिए हम नीचे क्लीन प्लेट को रख देंगे। वह आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर बैग है वो भी कट रहा है, जो हमने अभी पेन टूल से मास्क बनाया उसकी वजह से। तो हमें पेपर बैग का एक रोटो लेयर बनाना होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। और इसी लेयर को, इस रोटो लेयर को हम दोनों के बीच में रख देंगे। अब जिस क्लिप में हमने बॉक्स को रखा था, यानी बॉक्स लेयर, उसको इंपोर्ट करेंगे और राइट क्लिक करके टाइम फ्रीज कर देंगे। अब पेन टूल से इसके ऊपर भी एक मास्क बना देंगे। थोड़ा सा फेदर भी ऐड कर देंगे। सुपर्ब। अब फाइनली हमारी जो हैंड क्लिप वाली लेयर है उसको इंपोर्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को 50% रख के पेन टूल से इस तरह से एक मास्क बना देंगे। और ओपेसिटी को वापस से थोड़ा सा फेदर ऐड करके ओपेसिटी को वापस से 100% कर देंगे। और गाइस, ये हमारी वीडियो हो जाएगी तैयार। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मैजिकल बॉक्स और मैजिकल हैंड इफेक्ट बनाने का। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए। और अगली वीडियो में आप गाइस क्या देखना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके वहां पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।